वेलकम टू टीचर कैप्सूल। मैं मोहन सोनी टीचर कैप्सूल चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये 500 प्रश्न वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे पेपर में रिपीट होते रहते हैं। एक से ज्यादा बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे मैंने 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है और वो पूरी की पूरी श्रृंखला आपको एक एक करके आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपका भाग 7 यानी कि पार्ट 7 ये आपका वीडियो है। इससे पहले मैंने भाग 6 आपके पास में उपलब्ध करवा दिया। आप लोग एक एक करके सारे के सारे वीडियो देख लेना, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जैसे ही ये 500 प्रश्न तैयार कर लेंगे, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित किसी भी पेपर में आपके क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग देने में सक्षम होंगे, ठीक है। दोस्तों, आइए हम सभी लोग क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। समय हम सभी लोगों का कीमती है, इसलिए ज्यादा हम कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई लेक्चर देंगे। आइए सीधे क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, ये पर्यावरण अध्ययन से ही सारे के सारे क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि पर्यावरण का मतलब कभी पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे से नहीं होता। साथियों, पर्यावरण से संबंधित आपके सारे के सारे जो सामाजिक चीजें जो आपके नजरों के सामने दिख रही है, वो सारी की सारी चीजें आपके पर्यावरण के अंतर्गत आती है ना। जो आपको नजरों के सामने दिखाई दे रही है, वो जो नहीं भी दिखाई दे रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपकी जो चीजें होती है वो आपके पर्यावरण के अंतर्गत, एनवायरमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि केवल पेड़ पौधे ही पर्यावरण है। नहीं दोस्तों, सोशल साइंस के अंदर सामाजिक अध्ययन का आपको कोई भी पेपर आता है, उसमें भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पर्यावरण अध्ययन ही रिलेटेड होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया है ना, जो जैव सुरक्षा से रिलेटेड है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब सिग्नेचर किए। तो ऑप्शन ए आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1986, ऑप्शन सी 23 जनवरी 2001 एंड ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था उस पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को सिग्नेचर किए। 23 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से रिलेटेड है ना। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ये सारे के सारे मंत्रालय आप इस चीज को कार्यान्वित करते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाइए इस क्वेश्चन में। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है ना। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है, यानी कि मीथेन जो है किस चीज से निकलती है, कहां कहां से मीथेन निकलती है, इस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए धान के खेत से, एकदम सही बात है, धान के खेत से आपकी मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खदान है, यहां से भी मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु, यहां से भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। धान के खेत, कोयले की खदान है तथा जुगाली करने वाले पशुओं से आपकी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस ये आपकी एक नुकसानदायक गैस है ना, वायु प्रदूषक गैस है ये आपकी। वायु प्रदूषक गैस एक मीथेन गैस है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत पूछा जाता है पेपर में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, केरल में, है ना। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोक नी संरक्षण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए पारा प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोराइड प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन सी लेड प्रदूषण द्वारा एंड ऑप्शन डी आपका कैडमियम प्रदूषण द्वारा। तो दोस्तों, जो नोक नी संरक्षण होता है आपका, ये आपका फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा फैलता है ना। फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा ये चीज होती है। मानव शरीर में उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने, बैंडिंग जो होता है ना, पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नोकनी संरक्षण कहते हैं। जब मानव के शरीर में उच्च फ्लोराइड संग्रहित हो जाता है तो जो पैरों के मुड़ने का कारण एक होता है, यही है ना, पैरों के मुड़ने का एक कारण होता है। जो हम लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं,
उसका यही कारण रहता है नौ कलनी संलक्षण, है ना। जब ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो फिर पैरों में घुटने जो मुड़ने की समस्या रहती है, घुटने मुड़ने की, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखिए, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात का, आप लोग कभी बैक पेपर लगाएंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से पेपर इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों की तरह जब मैं पेपर देता था तो मुझे उसी का अनुभव है, अब तो खैर भगवान की कृपा से निजात मिल गई है, पेपर नहीं देना है। तो इसीलिए मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस पर बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान सही से दे लेना, ठीक है। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सतत विकास, ऑप्शन बी कृषि संबंधी उपबंध, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी परमाणु निशस्त्रीकरण। तो दोस्तों एजेंडा 21 है वो आपका सतत विकास से रिलेटेड है। किससे? आपका सतत विकास से, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य है वो 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है ना। इसका जो उद्देश्य है, एम है, वो है आपका 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। समझ में आया। एजेंडा 21 ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्रियान्वित एक योजना है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक क्रियान्वित योजना है जिसका जो लक्ष्य है वो 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना लक्ष्य है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। ये भाई देखो मोदी जी के जितने भी काम है उनको हम लोगों को बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से, इस बात का याद रखना थोड़ा सा, आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर, ये देखो 1956 लिखा ना, तो मोदी की बात आई यहाँ पे, तो 1956 की तो बात हो नहीं सकती क्योंकि ये आजादी के टाइम के लगभग बात चल रही है ना। 1968 ये भी बात नहीं हो सकती, ये क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने चालू किया था, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। अब बात आई 2014 होगा या 2016 होगा ना, तो जैसे मोदी की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में आपका स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती थी, उसी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार। आइए अगले क्वेश्चन देखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग बहुत मन से इस बात को समझना। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है ना, राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो दोस्तों राज्यों के लिए जो ग्राम पंचायतों का गठन है उसका प्रावधान है आपका अनुच्छेद नंबर 40 में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लिखिए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से, है ना, किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 23वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 32वां संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया ना, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिर से लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और यहाँ पर आज के बाद आप लोग मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन आएंगे कभी नहीं भूलेंगे, आप बस केवल 2-3 मिनट हमें दे दीजिए, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके सारी की सारी बातें स्पष्ट करते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, है ना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। दो बातें स्पष्ट हो गई। अब हम देखते हैं ये मौलिक कर्तव्य है ये आपका कितने भाग में है ना, ये जो इसका प्रावधान है भाग, जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भाग कितने में प्रावधान है? भाग 4A, 4A है ना, 4A, भाग 4A में इसका प्रावधान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 6 क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से बनते हैं, हम आपके सारे के सारे क्वेश्चन स्पष्ट करते जाएंगे। एक तो हो गया भाग, किस भाग में है? 4A में। अब बात आई अनुच्छेद की, है ना, कितने अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो
अनुच्छेद 51 का ए है ना, 51 के ए में ये आपका प्रावधान किया गया, आर्टिकल 51 ए में ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। और भाग कौन सा था, भाग था आपका भाग 4 ए, संविधान संशोधन कितनेवे नंबर का था, 42वां संविधान संशोधन था, कितने किस सन में हुआ था आपका 1976 में, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फैक्ट, वो है आपका कि कौन सी समिति थी, किस समिति की सिफारिश पर आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो वो समिति थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। दोस्तों एक बार पूरी की पूरी बात हम फिर से स्पष्ट करते हैं, देखिए मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। थोड़ा सा हम आपको ये स्पष्ट करते हैं, आप लोग भूल जाते होंगे कि ये सन कैसे याद रहेगी, तो 4 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके 1976 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना, 1976 यहाँ पर हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976, 4 और 2 को जोड़ेंगे, लास्ट में 6 आया ना, तो यहाँ पर 1976 हो गया, समझ में आया दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। साथियों ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं 100% इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि मौलिक कर्तव्य से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस 4-5 क्वेश्चन के अलावा कहीं से नहीं बन सकता, है ना, क्वेश्चन केवल यहीं से बनेगा। आप लोग प्लीज ये 5 पॉइंट बहुत मन से समझ लेना, जिंदगी में कभी मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों से प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक इस चैनल पर जो भी नया आया यार, जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और दाहिने हाथ पर एक बेल बनी होगी, घंटी बनी होगी, उसको आप लोग दबा दीजिए, है ना। और वीडियो को प्लीज अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए यार, क्या अत्याचार किया मैंने, क्या हम लोगों ने, हमने तुमसे तुम्हारे साथ दुश्मनी करी है जो इतना आप लोग बदला ले रहे हैं हमसे। चलिए जल्दी से जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं यार तुम्हें, बहुत मटेरियल, अच्छा अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए लाते हैं, आप लोगों के लिए फायदा के लिए लाते हैं, तो आप लोग प्लीज जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट में आप वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, है ना, मुझे खुशी होती है यार इन सब चीजों से, कोई देख के तो खुशी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, अरे मजबूरी यार रहती मेरी यार, कहने होता आप लोगों से, नहीं तो आप वीडियो देख लोगे उसके बाद व्हाट्सएप चलाने लगोगे, फेसबुक चलाने लगोगे, क्योंकि बिजी लाइफ होती है ना हम सब लोगों की, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिलाना होता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, ना लागू शब्द भी याद रखना, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1980 में, 1988 में, 1993 में, 1998 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो आपका 1993 में लागू किया गया, इस टाइम हमारा जन्म हुआ था, 1993 में मेरा जन्म हुआ था, मैंने इसी से याद किया था अपने टाइम पे, है ना, 1993 जो आपको पढ़ा रहा है उसका जन्म हुआ था 1993 में, मतलब मेरा, ठीक है, इसी से मैंने याद किया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो आपका 1993 में लागू किया था। अगर आपको डेट भी याद करनी है ये भी कर सकते हैं, पर ये डेट तो खैर मेरी नहीं है, पर सन जरूर है 28 सितंबर 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एशियाई स्नूकर प्रतियोगिता में, एशियाई स्नूकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, ऑप्शन ए गीत सेठी, ऑप्शन बी अशोक सांडिल, ऑप्शन सी यसीन मर्चेंट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यसीन मर्चेंट ने एशियाई स्नूकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी है, जो मैराथन दौड़ होती है उसमें आपकी ऑफिशियल दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो आपकी डिस्टेंस होती है 42.195, कितनी होती है आपकी 42.195 किलोमीटर, जो मैराथन होती है इसकी आपकी डिस्टेंस होती है, अगर इसको इस टाइप में भी पेपर में आ सकता है आपका 26 मील 385 गज, है ना, 26 मील और 385 गज, ये ऐसा भी आ सकता है ना,
जो भी आ जाए, वैसे मोस्टली ये वाला ही आता है 42.195 किलोमीटर मैराथन जो दौड़ा होती है उसका आपका ऑफिशियल दूरी, आधिकारिक दूरी होती है। वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में है आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोग क्रिकेट के शौकीन है, खूब ही आता है वानखेड़ा स्टेडियम। वानखेड़ा स्टेडियम जो है आपका वो है आपका दोस्तों कहाँ पर, महाराष्ट्र में है ना। वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चला अगला क्वेश्चन देखते हम लोग, निम्नलिखित में कौन एक विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है ना, विशालतम पारिस्थितिक तंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखिए, पेपर में बहुत आ जाता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वत व पहाड़ एंड ऑप्शन डी घास के मैदान। तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सबसे ज्यादा आपका जल में होता है ना, जहां पर बहुत ज्यादा जल होगा वहां पर पारिस्थितिक तंत्र आपका ज्यादा विकसित होगा, सबसे बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर जल से संबंधित केवल एक ही ऑप्शन है आपका समुद्र, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या, समुद्र। समझ में आया दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, समुद्र। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है ना, पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, उसमें भी क्या है जिसका लगभग 97% भाग समुद्री जल है ना, जिसका 97% आपका समुद्री जल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अलर्ट लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर गलती होती है ना, सावधान रहना इस बात पर। कौन सा पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक है, ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोर कार्बन। हाँ दोस्तों क्लोरोफ्लोर कार्बन यानी कि CFC भी इसी को बोलते हैं ना, क्लोरोफ्लोर कार्बन, ये आपका ओजोन रिक्ति कारक जरूर है। हेलॉन्स ये भी आपका ओजोन रिक्ति कारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी आपका ओजोन रिक्ति कारक है ना, ओजोन को क्षति पहुंचाता है, ये आपका ओजोन को क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह से आपका ओजोन रिक्ति कारक ये तीनों है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का स्टार्टिंग की गई है ना, मुख्यमंत्री जन वन योजना की स्टार्टिंग किस राज्य में की गई थी। तो दोस्तों वो राज्य आपका कौन सा था बताइए, मुख्यमंत्री जहां से ये किया था तो वो आपका राज्य था आपका झारखंड है ना, झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री जन वन योजना का स्टार्टिंग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, फिर से यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस पर लिखेंगे, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें हम आप लोगों को तभी बता पा रहे हैं क्योंकि मैंने बैक पेपर का अध्ययन किया है, और मैंने जब आप लोगों की तरह मैं पेपर दिया करता था तो वही मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप लोगों को सावधान होना है, कहाँ पर अक्सर गलतियां होती है। तो यार वो दोस्तों वो सारी की सारी चीजें आप ना करो, इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ, सावधान करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, अलर्ट लिखता हूँ। यार दोस्तों आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा हित होना चाहिए है ना, क्योंकि मतलब ही क्या रहा, जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप ना करें, यही तो एक टीचर या अध्यापक की एक उचित भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्त इसको भी हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका 3×10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी आपका 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक चाल मैं बता दूं, प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल अगर आए, प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी रहती है आपकी, प्रकाश की चाल है ना, सबसे ज्यादा किसकी रहती है, प्रकाश की चाल, उसके बाद ध्वनि की चाल रहती है। तभी आप लोग देखते हो कि जब बादल गरजता है, बादल गरजता है तो सबसे पहले बिजली चमकती है ना, बिजली चमकने के बाद फिर बादल की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले बिजली चमकती है ना, पहले बिजली चमकती है ना, प्रकाश की गति ज्यादा होती है, पहले बिजली हमारे पास आ जाती है, उसके बाद फिर बादल की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, उसके बाद फिर ध्वनि की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आपके पास उदाहरण आपको खुद पता होगा, आप सब लोगों को ये महसूस करते होंगे जब बादल गरजता है, चमकता है, बिजली चमकती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव, ये फिर से यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया, मैं आपको कैसे बताऊं दोस्तों, साथ में ये सारे के सारे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे के सारे मैंने एक जगह इकट्ठे करके आप लोगों को कोशिश किया है कि आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग अच्छे से इसका गंभीरता पूर्वक ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे।
तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी भी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यही होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन आपका एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एक बात यहाँ पर और इंटरेस्टिंग है, जो गैस रहती है घरेलू गैस है उसमें बदबू आती है ना, बदबू आती है ना, तो बदबू का कारण, बदबू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बदबू। अरे यार दो बार गलती कर दिया, हिंदी भी नहीं लिख पा रहा सही से, बदबू है ना। बदबू का कारण क्या है आपका, मरकैप्टन, मरकैप्टन मिला दी जाती है। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसा नहीं है ना ये जलाता है गैस को ना फायदा करता है, कुछ नहीं करता, मरकैप्टन, मरकैप्टन, ये मरकैप्टन पदार्थ को मिला दिया जाता है, ये एक बहुत बदबूदार पदार्थ रहता है। और इसके कारण क्या रहता है कि जब गैस रिसती है तो हमें ये पता चल जाता है कि गैस हमारी रिस रही है ना, तो इसी वजह से कि नुकसान ना हो, घर में आग ना लगे, इसी की वजह से ये पदार्थ एक आपका होता है मरकैप्टन, इस पदार्थ को गैस में, एलपीजी गैस में मिला दिया जाता है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में ना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन, चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को आनंद व मजा। अब ये देखिए यहाँ पर मजा शब्द लिखा है, मजा उपलब्ध कराना, यार ये गलत है ना, क्योंकि यार हमारा जो भ्रमण होता है, टूर होता है, उसका कारण मजा तो नहीं रहता ना, मुख्य उद्देश्य मजा बिल्कुल नहीं रहता है, तो ये गलत हो गया। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना उपलब्ध कराना, ये एकदम सही है। अभी अभी से यहाँ पे दो टिक लगा दी, एकदम सही है कि जो स्टूडेंट हो उसको सक्रिय अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना यानी कि लर्निंग, अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये एकदम सही है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, बिल्कुल भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक बार बता दूं, आपका यूपी टेट, सी टेट या कोई सुपर टेट आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके तीन चार क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, तो मैंने भी ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया, उसमें दो तीन क्वेश्चन आपके पेडागोजी के डाले हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके कठिन हो सकते हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं तो मैंने खुद स्वयं डाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में भी दो तीन क्वेश्चन आपके कठिन मिल जाते हैं ना, तो वहां पर आप लोग टेंशन ना लेना, पेपर में दो तीन क्वेश्चन आपके कठिन रहते हैं और आपका 90% पेपर हमेशा सरल रहता है आप लोगों को। और एक बात मैं बता दूं कि हमेशा बचपन से लेके आप अभी तक जो पेपर देते चले आए, कंपटीशन के जो भी पेपर हों आपके, वहां हमेशा 90% पेपर हमेशा सरल आता है ना, सरल क्वेश्चन आते हैं, पर आज तक फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने सरल क्वेश्चन को सरल मान के रखा है ना, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उस क्वेश्चन को आपने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि आप लोगों के पेपर में सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उसके ऑप्शन इस तरह से क्रिएट कर दिए जाते हैं, ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाते हैं कि आपको सरल क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन करा देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग सरल क्वेश्चन को बहुत मन से समझेंगे, आप लोग सरल क्वेश्चन को सरल छोटा मत समझिए, और ये प्रॉपर तरीके से अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोग एग्जाम देने से पहले दो दिन पहले वो डायरी अपनी देख लीजिए, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं, ये मेरा विश्वास है आपको, है ना, ऐसा मैंने किया है तभी मैंने आपकी ये सरकारी नौकरी पाई है। समझ में आया, चलिए ये थोड़ा सा ज्ञान था, क्योंकि आप लोगों को अगर एनर्जी नहीं देते ना तो आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, डर रहता है ना, आप लोगों का दिमाग बड़ा चंचल रहता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है ना, इनमें जो बंदरगाह दिए गए इनमें कौन सा बंदरगाह है जो आपका पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, पूर्वी तट का नहीं है, तो चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह आपका पूर्वी तट का है ना, चेन्नई पूर्व में है ना, तमिलनाडु में, कांडला बंदरगाह, हाँ ये दोस्त सही है, जो कांडला बंदरगाह है ये आपका पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में ना, कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। समझ में आया, कांडला बंदरगाह आपका कहां पर स्थित है, यह आपका गुजरात में स्थित है। ये जो बंदरगाह है ये आपका कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी की उत्तर दिशा में है, कहां पर, शीर्ष पर, ठीक ऊपर यहां पर आपका कांडला बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर। और ये भुज जो होता है ना, भुज आपका गुजरात में जो भुज है
वहां से लगभग 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। ठीक है, बात यहां तक हुई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से कांडला से आता है, ये क्या है, ये आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा है, यह कांडला बंदरगाह जो है आपका प्राकृतिक बंदरगाह है ना, प्राकृतिक बंदरगाह है ये आपका, प्राकृतिक बंदरगाह है कांडला। ये गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ की खाड़ी की उत्तर दिशा में स्थित है और ये भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है। समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन उठता है इसलिए मैंने आप थोड़ा सा यहाँ पर जोर देकर आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी है ना, यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है ना, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, एक थारू जनजाति होती है ना, कौन सी जनजाति होती है? थारू जनजाति, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये थारू जनजाति कहां पर पाई जाती है? एक तो आपकी यूपी है ना, एक यूके, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड लिख दे रहे हम पूरा, नहीं तो आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। उत्तराखंड, उत्तरा यूपी, उत्तराखंड और बिहार है ना, यूपी उत्तराखंड और बिहार में कौन सी जनजाति आपकी? थारू। ये थारू जनजाति आपकी दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है। ये एक अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी के अंतर्गत आती है, एसटी एसटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है ना, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र राज्य का एक अंग है ना, महाराष्ट्र राज्य का अंग है विदर्भ। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत मन से इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन सॉरी आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है, गला देखो मेरा भर आया है और आप लोग लाइक तब भी नहीं करते हो, कितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं, कर दो लाइक, अभी भी शर्म नहीं लग रही तुम लोगों को, गजब है यार। चलिए ये तो समझ में आ गया ना, महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, किसका अंग है? भारत महाराष्ट्र का। ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित की जाती है? जो रथ यात्रा उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होती है? वो आपको आपकी होती है आपकी पुरी है ना, पुरी। आपको पता होगा जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा सुनी है ना, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जो कि गलत लिख दिया मैंने, इसको सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है कैसे होगा सही से, यहाँ पर एक ना और लिख लो, ऐसे होगा सही से जगन्नाथ, क्या यार कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, जगन्नाथ, अब करके दिखाओ गलत तुम इसको। ठीक है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा है आपकी, वो आपकी पुरी, पुरी में कहाँ पर? पुरी में होती है आपकी, पुरी का मतलब क्या हो गया? उड़ीसा, उड़ीसा में होती है। ठीक है ना, रथ यात्रा कहाँ पर आयोजित होती है? उड़ीसा के पुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ध्यान देना। सत्यशोधक समाज की स्थापना, अरे वाह बहुत गजब का क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपकी ज्योतिबा फुले ने, है ना, ज्योतिबा फुले ने आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये सन पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है ना, ये की थी आपकी 1873 में ना, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और एक क्वेश्चन है इनकी दो किताब, इनकी बुक थी वो अभी याद आ रही, बहुत अच्छी कुछ बुक किताब है, गुलामगिरी, इनकी बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी है ना, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम था, गुलामगिरी तथा सत्यशोधक समाज नामक संस्था के माध्यम से इन्होंने निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। समझ में आया, जो ज्योतिबा फुले थे आपके निम्न जाति से आपके बिलोंग करते थे, तो इन्होंने गुलामगिरी बुक, बुक का नाम है ये बुक है गुलामगिरी बुक के माध्यम से, और ये जो इनकी संस्था है सत्यशोधक समाज, इस संस्था के माध्यम से इन्होंने जो निचली जातियां हैं उनकी रक्षा पर बल दिया था, है ना, उनकी रक्षा पर जोर दिया था। समझ में आया साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, ये तीन पॉइंट बनते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगस्त 2019 में
आदि महोत्सव है ना, अगस्त 2019 में जो आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लेह लद्दाख एंड ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों आदि महोत्सव का आपका जो आयोजन हुआ था वो आपका लेह लद्दाख में हुआ था। आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों आप लोग कोई भी पेपर देते हैं तो याद रखना कि उसके एक साल पहले और एक साल बाद का आपको ध्यान होना चाहिए। एक साल पहले का जानकारी होना चाहिए और एक साल बाद की जानकारी होनी चाहिए। ये मत सोचना कि आप लोग 2020 में कोई भी पेपर दे रहे हैं करंट के जो क्वेश्चन आएंगे केवल 2020 के आएंगे, ये गलत भ्रम है आपको केवल, है ना। आप लोग 2019 का भी तैयार करके रखिए और 2021 का करंट अभी तैयार करके रखिए कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो चुका है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो तीन क्वेश्चन करंट के इसमें डाले हैं आपके। आप लोगों को पता होगा यूपी टेट का एग्जाम अगर आपने 2019 का दिया है तो उसमें करंट के क्वेश्चन जो आए 2019 में नहीं आए, 2018 के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए गए, ठीक है। तो मैंने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया, एक दो क्वेश्चन इसमें डले होंगे करंट के। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर ये करंट का क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया। करंट का क्वेश्चन कोई पुराना नहीं होता है ना, एक साल पहले की अगर बात है तो वो पुरानी नहीं है, उसको आपको समझना चाहिए। तो आदि महोत्सव को आज जो है लेह लद्दाख में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चाणक्य के बचपन का नाम। बढ़िया क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम था आपका विष्णुगुप्त। क्या नाम था आपका? विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। और इनकी बुक थी, एक बहुत अच्छी किताब है बुक, इनका बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र याद रखना, इस बुक में अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ जो लिखा है ना, अर्थ का मतलब होता है धन। तो याद रखना बिल्कुल भी धन से संबंधित ये नहीं है अर्थशास्त्र, अक्सर कंफ्यूजन करता है। ये जो बुक है इनकी, ये आपकी राजनीति से संबंधित है ना, ये इनकी बुक जो है ये आपकी राजनीति से संबंधित। इनका एक नाम और था कौटिल्य, चाणक्य का विष्णुगुप्त नाम भी था और एक अन्य नाम था आपका कौटिल्य, है ना, कौटिल्य इनका नाम था। इनकी बुक का नाम अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति से संबंधित है। और ये जो बुक है, इस बुक में आपका मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा दिया गया है ना, मौर्य वंश। और इसमें भी स्पेशल है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र नामक बुक में, जो कि चाणक्य के द्वारा रचित है, जो राजनीति से संबंधित रखती है ना कि अर्थ से, है ना, ना कि अर्थ यानी कि इकोनॉमी से संबंध नहीं रखती है, जहां पे पेपर में आता है और आप लोग गलत करके आते हैं, ठीक है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथियों, अभी तक जो भी व्यक्ति ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, आप लोग नए हैं यहाँ पर चैनल पर, तो आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और बेल आइकन बनी होगी बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको ही फायदा होने वाला है बेल आइकन को दबाने से। और प्लीज जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, आप जल्दी से उंगली रख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कोई भी बात कहनी है आप लोग, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिए। ये मेहनत का मेरा फल आप लोग मुझे दे दीजिए प्लीज, दुगनी मेहनत के साथ मैं आपके सामने अगले वीडियो में आऊंगा। यही सब चीजें देखते हैं, लाइक देखते हैं, कमेंट देखते हैं, तभी मेरे साथ में एनर्जी आती है, एनर्जी तभी मुझे मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक मेधा पाटेकर है ना और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। एक टीचर है वो आपका मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के विषय में बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, बिल्कुल नहीं है, है ना। दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से है, बिल्कुल भी ये नहीं है। दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पर है, एकदम सही है। ये आपका ऑप्शन सी आपका सही है, ये दोनों ही व्यक्ति आपके पर्यावरणीय मुद्दे पर बोले थे ना, पर्यावरणीय मुद्दे पर इनका बात चल रही है। दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये भी गलत बात है, चिपको आंदोलन को दोनों ने ही नहीं बढ़ाया। अब देखते हैं हम मेधा पाटेकर, जो आपकी मेधा पाटेकर थी वो आपके किससे रिलेटेड है, नर्मदा बचाओ से, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा बचाओ अभियान की प्रवर्तक कौन थी, तो मेधा पाटेकर। और जो अमृता देवी बिश्नोई है, ये आपकी किससे रिलेटेड है, ये आपकी चिपको आंदोलन से, है ना, चिपको आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है, चिपको आंदोलन यानी कि अमृता देवी बिश्नोई आपके चिपको आंदोलन से संबंधित रखती है और मेधा पाटेकर आपका नर्मदा बचाओ अभियान से संबंध रखती है, ठीक। और ये दोनों बातें आपकी पर्यावरणीय मुद्दे में रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी सही हो गया, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है आप लोग वहां जाके पूछ सकते हैं।
एक बार फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट करना होता है कि प्लीज जिसने भी यार लाइक नहीं किया प्लीज कर दो। चलो जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक करो, जिसने भी नहीं किया ऐसे ही बस यहाँ पे हाथ बना होगा, इस पे उंगली रखनी है और सब्सक्राइब रेड कलर में होगा चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट हैंड में यहाँ घंटी बनी होगी, आप लोग घंटी दबा दीजिए। जैसे ही घंटी दबाएंगे वैसे ऐसे हो जाएगा, तुरंत टोपी लग जाएगी, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। दुगनी मेहनत के साथ आप लोगों के ये कमेंट लाइक देखते हैं, तभी तो एनर्जी आती है, तभी तो ऊर्जा आती है ना। तो दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ, अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ मैं आपको अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। आप सभी लोगों से एक बार फिर से टीचर कैप्सूल चैनल पर आप सभी लोगों को, आप लोगों ने मुझे टीचर कैप्सूल चैनल पर सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।